2022 लास्ट में आपने ले के बारे में बहुत सुना होगा कि भैया ने भर भर के ले किए इतने ले किए उसके बाद फिर जनवरी में हायरिंग फ्रीज हो गई फिर ये हुआ हायरिंग नहीं हो रही है फिर से हायरिंग हो गई है स्टार्ट एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स आ रहे हैं एंड धीरे धीरे अपना पेसअप पकड़ रहा है लाइक जैसे पहले हायरिंग हो रही थी वैसे ही फिर से ठीक है हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है उसी के बेसिस पे यही वाली हायरिंग आई हुई है दैट इज टूडेज हायरिंग दैट इज अ वर्चुअल हायरिंग बेसिकली जो आप घर पर बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हो सिलेक्शन ले सकते हो आपको पढ़ने के मेटीरियल मैं दूंगा आपको सब कुछ फ्री कॉस्ट मैं दूंगा आपको हर एक चीज सारे प्रोसेस के बारे में मैं बताऊंगा आपको जस्ट क्या करना है चीजों को फॉलो आउट करना है से बनाना है अप्लाई करना है अप्लाई करने टेस्ट देना सही से टेस्ट अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है ताकि जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स बिकॉज अभी इनकी लेटेस्ट हायरिंग चल रही है तो भाई लाइक कॉमेंट जरूर कर देना वीडियो को काफी मेहनत हम लोग कर रहे हैं इन सारी चीजों में एंड डेफिनेटली काफी रिसोर्स अगर मान लो कोई चीज आपको चाहिए आप कॉमेंट करके पूछो हम लोग डेफिनेटली लेकर आ जाते हैं एंड कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदे हो सके जल्दी से जल्दी ठीक है डेफिनेटली लाइक कमेंट कर लेना शेयर कर देना अपने दोस्तों को

चीज दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा आपके सामने जैसे आप लिंक पर टैप करोगे दैट विल बी दिस एंड इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपको कोई फोटो अपलोड नहीं करनी है आपको फोटो तुरंत खींचनी है दैट इज इट विल बी अ क्लिक ठीक है तो आप मोबाइल से मत भरो अपने मैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा लैपटॉप एक अपने अगर मान लो आपके पास लैपटॉप नहीं है भैया आप अपने दोस्त से बोरो कर लो दो दिन के लिए जिसमें आप क्या करो आज फॉर्म भरा आज फॉर्म भरने के बाद कल टेस्ट दे दो ठीक है कल टेस्ट दे दो या रात में बैठ कर टेस्ट दे दो प्रिपरेशन पहले कर लो ठीक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट दो दिन के लिए ये आप मतलब ले लो लैपटॉप दोस्त से ठीक है बेटर रहेगा आप ही के लिए उसके बाद जैसे ही आपको लाइव फोटो खींचनी है वेब से तुरंत फोटो अभी दिखाऊंगा कैसे खींचते हैं उसके बाद अलाउ करना एक्सेस उसके बाद फिर फेस प्रॉपरली फ्रंट

आप ऐसा एक वाइड बैकग्राउंड फोटो करो एंड ऐसे फोटोज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे दैट इज जस्ट यू विल गो ऑनलाइन एंड यहां पे कन्वर्ट कन्वर्ट टू वाइड बैकग्राउंड फोटो वाइड बैकग्राउंड फोटो ठीक है ऐसे करके आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ चेंज इमेज बैकग्राउंड पे जाओगे आप अपना बैकग्राउंड तुरंत चेंज कर सकते हो दैट इज सपोज मैं यहां से अपना एक क्या नाम है कोई भी एक फोटो अपलोड करता हूँ सपोज आई एम अपलोडिंग दिस फोटो ठीक है जैसे ये मैंने फोटो अपलोड किया अपलोड करने के बाद आई कैन चेंज माई बैकग्राउंड यहां से कुछ प्रोसेस करेगा ए टूल्स है बेसिकली जो आप यूज कर सकते हो डेफिनेटली बहुत ढेर सारी चीज़ें मैंने बताई और यहां पे देखो मैंने चेंज कर करा सिमिलरली आप वाइट बैकग्राउंड लगा सकते हो दैट डिपेंड्स ऑन यू आप अपने हिसाब से व्हाइट बैकग्राउंड लगा दो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है बहुत मैंडेटरी स्टेप है उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पर टैप करके नेक्स्ट जैसे ही करते हो सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग देखेंगे आप करोगे क्या और क्या क्या चीजें होंगी बिकॉज मैं हर एक वीडियो में मैं क्लियर कट इसी चीज पर फोकस करता हूं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कैसे रिज्यूमे बनाना है, क्या चीजें हम लोग डालेंगे तो भाई शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस होंगे थोड़ी लंबी हो जाती है बट डिटेल्ड रहती है उसका आप लोग ध्यान रखो टाइम टाइम्स भी दे दूंगा वेरी फर्स्ट थिंग एसोसिएट रिटेल प्रोसेस ठीक है उसके बाद यहां पर देख सकते हो दट इज लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम ये वर्क फ्रॉ होम अपॉर्चुनिटी है परमानेंट वो भी आप अपने घर से बैठे बैठे कर सकते हो कहीं जाने की जरूरत है कहीं से आने की जरूरत नहीं है एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दट इज एज पैच मतलब पर्टिकुलरली आप करने के वाले जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में देखें एट एमेजॉन वी आर वर्किंग फॉर द मोस्ट कस्टमर कंपनी है जैसे आपको पता है एंड एम्प्लॉय भी सेंट्रिक कंपनी है कि भैया एम्प्लॉयी को बहुत अच्छा ट्रीट करती है काफी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस रहता है उसके बाद वी आर सीकिंग कैंडिडेट्स हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग प्राइस Manit uh, नहीं हो रही है डेफिनेटली हो। क्या होगा कि भैया आपको जैसे कस्टमर कंपनी बेसिकली जिसमें ऑनलाइन प्रोडक्ट रहते हैं ठीक है वेबसाइट है मेजर ठीक है तो उनके वेबसाइट

प्लान लीव उसमें नहीं होनी चाहिए मतलब कोई भी सिक लीव वगैरह है तो उस वो चलता है अदरवाइज Uh, क्या नाम है कोई अनप्लानीली uh, वैसे ही छुट्टी ले लिया कि हाँ भैया आज मेरे को नहीं जाना है या आज मेरे को घूमने जाना है ऐसे करके आप छुट्टी नहीं ले सकते हो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उसके बाद फिर तो एबिलिटी टू तो यूज डेस्कटॉप लैपटॉप हेमलाइटी विद द इंटरनेट ब्राउजर्स ये एम एस ऑफिस एम एस एम एस एक्सेल वगैरह सही से आना चाहिए डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी एक कोपन कोड भी दिया हुआ है बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है अभी जाके आप एडवांस एक्सेल का कोर्स ले लो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है भैया क्योंकि आप कोई भी जॉब रोल में जाओ अभी मैंने दो तीन वीडियोज़ या चार वीडियोज़ कोई वीडियो आप उठा लो भैया टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैंने आपको हर एक वीडियो में ही बताया आपको जॉब क्या नाम है सीखने की जरूरत पड़ेगी तो भाई आप अभी सीख लो ना क्या दिक्कत है अभी सीख लो आपको जॉब्स में हेल्प होगी आपको करियर में डेफिनेटली हेल्प करेगा नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाते तो डेफिनेटली अभी जाकर प्रैक्टिकल वीडियो एडवांस एक्सएल की वो आप देख लो वो आप सीख लो उसके बाद होम एवरमेंट आपका बैकग्राउंड म्यूजिक फ्री होने चाहिए जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कोई डिस्टर्बें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा वैसा है वैसा नॉइज होना चाहिए क्योंकि आप वर्क फ्रॉम एनवायरमेंट में ऐसे ही काम करते हो उसके शुड हैव अ गुड इंटरनेट है आपको इंटरनेट का अलावेंस वगैरह मिलता है तो ऐसा आपको टेंशन नहीं लेना है सबसे पहली चीज दैट इज आपको इंटरनेट कनेक्शन लगवाना पड़ेगा वो सारा, आपका कर देती, सारा पैसा दे दे नंबर जेटा, जेटा so, वो मैंने काफी पहले वीडियो बनाए थे मैंने बहुत ढेर सारी वीडियो बनाई हुई है बेनिफिट्स के ऊपर उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है प्रिपरेशन के ऊपर वो सारी अभी मैं दिखाऊंगा कैसे ऐसे आपको करना है उसके बाद प्रोफेशन इन एम एक्स एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक्सपीरियंस अगर कोई ऑनलाइन रिटेलर्स के साथ काम किया तो बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट रहेगा लेवल ऑफ इंटरव्यूज होगा इंटरव्यू देना है वो आपको देना पड़ेगा ठीक है ऐसे करके सीन है उसके बाद जस्ट uh, क्या नाम है मैं आपको एक चीज दिखा दैट इज यूट्यूब पर जाऊंगा मैं जस्ट सर्च करूंगा अपने चैनल को एंड आई विल गो टू माई चैनल एंड यहां पर मैं दिखाता हूँ आपको पूरी प्ले जो आपको यूज आपको हर एक चीज में

फूड कोपन मिलता है वाईफाई मिलता है और क्या सैलरी क्या मिलता, मिलता है अलावेंस क्या मिलता है बेनिफिट्स क्या मिलते हैं ओटी क्या मिलता है बोनस क्या मिलता है वो सारी के बारे में वीडियो बनाया हुआ एग्जैक्ट फिगर्स के बारे में डेफिनेटली वो जाकर देखो प्रिपरेशन का पूरी वीडियो बनाई हुई है डेफिनेटली अभी जाकर आप देख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो आप देख सकते हो डेफिनेटली जो आपको हेल्प कर सकते हैं और भी ढेर सारे इंटरव्यूज हैं जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे एंड आपके स्टडी मटेरियल के बारे में बता दूँ द वेरी फर्स्ट थिंग आपको स्टडी मटेरियल्स दे देता हूँ कि भाई आपको पढ़ना कहाँ से तो एक वीडियो है बेसिकली जिसके अंदर आपको पूरा स्टडी मटेरियल्स मिलेगा सारा मैंने आपको कवर किया हुआ इंग्लिश कैसे वीडियो यूज़ करना है एंड यहाँ पर आपको डेफिनेटली पूरा स्टडी मटेरियल्स का ये मिलेगा दैट इज बिल दैट विल बी द पोस्ट एक पोस्ट है बेसिकली जो मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया वीडियो में नहीं समझ आता इस वीडियो पर चले जाना एंड यहाँ पे एक एक चीज़ें मैंने बताई हुई है कैसे आपको पढ़ना है क्या क्या, क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं कहाँ से पढ़ सकते हो सारा आपको रिसोर्सेस क्लिक्स के साथ लिंक्स के साथ दिया गया है डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ जो आप यूज़ कर सकते हो अप्लाई करने के लिए जस्ट आपको क्या करना है ऐसे मैं ऐसे कर दूंगा। उसके बाद यूट्यूब से पता लाइक दिस like हमेशा रहती है और आपको उसी पर रिस्पॉन्स तुरंत आएगा ऑन स्पॉट ये आपको दस मिनट बीस मिनट लग सकते हैं फॉर द टेस्ट टेस्ट का रिस्पॉन्स आता है मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूंगा कैसा दिखता है वो टेस्ट का रिस्पॉन्स उसके बाद फिर यहां पे आपको दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहां पर डाल दिया और यहां अल्टरनेट नंबर में भी अभी एक अपना नंबर डालना है या पावा का किसी का नंबर डाल दो जो भी आपके लिए फिजिबल रहे ठीक है जो भी आपके लिए रहे वो डाल दो एंड यहां पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लूंगा दैट इज माई डेट ऑफ बर्थ उसका मेरा इंडियन है तो इंडिया डाल दिया मेल फीमेल यही डाल देना है आपको डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो डाल सकते हो अदरवाइज नो no कर देना है फालतू में कुछ भी नहीं डालना है उसके बाद तो मैं बैंगलोर में फिलहाल सेटल तो बैंगलोर डाल दिया बैंगलोर मेरा सेटल है और उसके बाद कर्नाटका है एंड मेरा पिन कोड मैंने डाल दिया दैट इज माय पिन कोड ठीक है हाईएस्ट डिग्री मेरी क्या है वो डाल देना आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन उसके बाद आपकी ईयर ऑफ पासिंग माई वॉस टू टू थाउजेंड ट्वेंटी एजुकेशन टाइप मेरी इंजीनियरिंग थे वो मैंने डाल दिया उसके बाद एक्सपीरियंस कोई है तो मैं डाल सकता हूं अदरवाइज जीरो डाल दो नो आई एम नॉट करेंटली एनी वर्किंग आई कैन जॉइन इमीडिएटली एंड नो वन इज माई करंट एम्प्लॉयबल तो नॉट एप्लीकेबल डाल दिया उसके बाद जीरो डाल दिया सैलरी कोई बैकलॉग मेरा नहीं है तो नो डाल दिया उसके बाद कोई जो भी ओवर टाइम वगैरह करना है तो कर सकते हो होस मैं कर सकता हूं बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैं सारी चीजें येस कर दूंगा उसके बाद फिर ये आई एम विलिंग टू टॉक टू चीजें मैं भर दूंगा ये डाल दिया दैट इज माय दिस थिंग करेंटली वर्किंग एन एमेजो एंड मैं मेरे को resume, सही डालना जो मैंने चीजें आपको बताई हैं वो सारी चीजें आप फॉलो करना ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड एक पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा दैट इज एक्सटेंशन एक पीडीएफ का मिल जाए मेरे को आई विल अपलोड दैट ठीक है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं चीजें करना चाह रहा हूँ तो यहां पर मैं आई विल जस्ट अपलोड दिस ठीक है एंड उसके बाद फिर अपना यूज़ करना है कैमरा जैसे मैंने आपको बताया ना आपको यूज़ करना पड़ेगा कैमरा है आपको तुरंत ऐसे करके फ़ोटो खींचनी है ठीक है तो अपना बाल बाल सही कर लेना दाढ़ी वाढ़ी सही कर लेना उसके बाद मिडिल में रहकर एक फोटो खींचना एंड अपलोड कर देना टिक जैसे ही करोगे अपलोड हो जाएगा एंड ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, है आप ये चीज़ मोबाइल से हो सकता है ना कर पाओ तो लैपटॉप पे बेटर इजी रहेगी चीज़ें आपको सारा चीज़ें दिखेंगी क्या चीज़ें मैं कहाँ से कर रहा हूँ एंड आप एग्जाम भी दे सकते हो एक दिन के अंदर जैसे फॉर्म भरते हो आपको एक दो दिन के अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है ठीक है मतलब टेस्ट का एक घंटे दो घंटे के अंदर तो डेफिनेटली आपको भरना चाहिए एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट कर दूंगा तो मेरे को एक मेल आएगा दैट इज़ आई एम एल एलिजिबल और नॉट वो एलिजिबिलिटी का मेल आने के बाद फिर मैं आगे टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा और मेरे को लिंक आ जाएगा ठीक है तो इसका आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा वेट करेंगे यहां पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा।, जाएगा।, जाएगा मैंने पहले से अगर अप्लाई किया हुआ है तो ऑलरेडी अप्लाइड का मेल आता है ठीक है तो वो मेरे को शो कर देता है फिर मैं दूसरा मेल आई यूज करके वो कर सकता हूं अदर दिस देखो दैट इज यहां पर आमेजॉन रिक्रूटमेंट टीम के हिसाब से एंड एमेजो की वर्चुअल हायरिंग की ही वेबसाइट है आप जनमिन है उसमें आपको शक नहीं करने की जरूरत है एलिजिबिलिटी का वी आर प्लीज दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोफाइल का आ चुका है एंड मेरे को टेस्ट का लिंक आने में थोड़ा सा टाइम आजकल लग रहा है थोड़ा सा आप 10 मिनट 20 मिनट रुक जाना मैं आपको जस्ट एक एमेजन का दिखा देता हूं कैसा दिखता है

टेस्ट दे सकते हो तभी बेटर होगा तो मेरा कंपेटिबिलिटी टेस्ट मेरा सक्सेस हो चुका है अब मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूं तो मेरे को इस लिंक पर जाना है इस लिंक पर जाने के बाद ये मेरे मेरे को मेरे को यूज़ करना और जस्ट तुरंत मैं एग्जाम दे सकता हूं। कोई भी टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को यहां पर जाकर अपना क्वेरी में रेस कर सकता हूँ लॉन्च कर सकता हूं टेस्ट डायरेक्टली यहां पर लॉन्च पर टैप करके आई विल एंटर माई दीज थिंग्स एंड आइन विल डू ठीक है तो इसके ऊपर मैं वीडियो एक बनाने वाला हूं जिसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो में बनाऊंगा सारी चीजें देखो मेरे को तुरंत रिस्पॉन्स आ गया मेरे को वन थर्टी वन पर मेरे को टेस्ट का लिंक आ चुका है यहां पे मैं क्या कर सकता Just I can go here, I can copy this, I can paste here, I can use my password. कॉपी कर सकता हूँ एंड यहाँ पे आप क्या नाम है डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो लॉग इन करने के बाद आई एग्री करके नेक्स्ट करना है वो सारी चीज़ें मैं आगे दूसरी वीडियो में बनाने वाला हूँ डेफिनेटली जो आपके लिए हेल्पफुल होगी डेफिनेटली लाइक कॉमेंट कर देना ऐसी चीज़ें हम लोग लेकर आते रहते हैं देसी मास्टर वेबसाइट पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर काफी चीजें लेकर आ रहे हैं डेफिनेटली फॉलो करना वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड काफी चीज़ें आप देखते फ्री रिसोर्सेज भाई भर भर के हैं जो आप यूज कर सकते हो और भी आने वाले बस कॉमेंट करके आप सजेशन दो हम लोग लेकर आ जाएंगे प्रिपरेशन करना सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेलेट नॉन टेक प्रोफाइल रिलेटेड डेफिनेटली हम लोग सारी चीज़ें लेकर आए हैं जाके अभी प्रेपर करना चालू कर दो तो यही सारी वीडियो थी हम लोग इस चैनल पर भी काफी मज़दार मज़दार मतलब मज़दार क्या इफॉर्मेट चीज़ें लाते रहते हैं पॉडकास्ट रिलेटेड उसके बाद करियर गाइडेंस वीडियोज अपॉर्चुनिटीज काफ़ी चीज़ें लेकर आते हैं फॉलो कर लेना हमारा मज़दार चैनल व्लॉग ब्लॉग चैनल जिस पर हम लोग व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं घूमने फ्रेंड्स रिलेटेड मोर देन टू ईयर्स आई की एक्सपीरियंस कैसा रहा चीज़ें कैसे मैंने सेटल किया यहाँ पे कैसी चीज़ें लेकर आई फ्लैट कैसे लिया वो सारी चीजें मैं शेयर करता रहा डेफिनेटली वहां पर आप फॉलो कर सकते हो ठीक है एंड यही सारी वीडियो थी लाइक कमेंट कर देना शेयर कर देना दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो करें इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह डे टू डे लाइफ की चीजें मैं अपलोड करता रहता हूँ डेफिनेटली वहां मजा आएगा मिलते हैं नेक्स्ट में मिलता मात्रम मा बय ध्यान रखना